आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में बेखौफ लुटेरों ने आज एक बार फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार अज्ञात बदमाश दुकान के अंदर घुसकर महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए हैं। घटना आज सुबह तकरीबन 8 बजे शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र ढिका की है, जहां मोबाइल दुकान में चार्जर लेने पहुंचे बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए हैं। शहर के भीतर दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हुई लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि उनकी डेकहा में खुशी मोबाइल नाम से दुकान है। बताया गया है कि आज सुबह जब वो दुकान में बैठी थी, तभी बाइक में सवार होकर आए दो युवक ने चार्जर मांगा। इसी बीच एक ने उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली और दोनों मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। हमारा नाम महेश देवी गुप्ता, हमारे दुकान में आए खुशी मोबाइल ढेकहा में, धन्यवाद सामान मांगी चार्जर लिहीन, चार्जर न लेके हम बैठे रहें तो हमारा चैन छीन के भाग गया। अभी तो कौन है 8:30 बजे, कितने लोग थे? 2 आदमी रहे, वाइफ से आए हैं। हाँ, दुकान के अंदर की घटना? नहीं, हाँ दुकान के अंदर घटना, गाड़ी सड़क में ठहर रही है। घटना में आ रहा है, आपने सूचना दे दी थाने? हाँ, लगभग कितने की उम्र होगी? 2 तोलक रही लाला।